नमस्कार दोस्तों, आज़ादपुर सब्जी मंडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं रामपुर की सब्जी मंडी वीडियो शूट कर रहा हूँ। जानते हैं सब्जी और फ्रूट के होलसेल प्राइस। लोकेशन है रामपुर उत्तर प्रदेश, तारीख है 12 जुलाई 2023। प्याजें लगी हुई, ये सब प्याजें लगी हुई इधर। और इधर मैं तौफीक भाई साहब की आड़त पे हूँ। ये है इनके पास क्वालिटी प्याज की। सर ये हैं तौफीक भाई साहब। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। इरफान भाई साहब है। ये हमारे पार्टनर आसिम भाई हैं। जी जी भाई, हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि प्याज यहाँ मर्दी और नासिक महंगी है। अच्छा जी। इसमें तो और मंडी से नहीं ला सकते, इंदौर वगैरह से? और मंडियों तो मंडियों के दागी आ रही है, दागी आ रही है इंदौर। जी जी जी। और ये नासिक की एक नंबर आ रही है, एक नंबर की सूखी भी प्याज है। इसका क्या रेट चला रहे हैं? ये बिके 18 रुपए। 18 रुपए किलो, 17 रुपए, 12 रुपए। जी जी जी। वो बिके 12 रुपए। वो भी इधर ये 12 रुपए, ये वाली है 12 रुपए किलो। ये 4-5 दिन नहीं बिकी तो 12 बेचनी पड़ रही। अच्छा अच्छा, इसका कलर खराब हो रहा है रुकने से? जी 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 जी। इधर ये सब कट्टे आलू के लगे हुए हैं। और ये है क्वालिटी आलू की। इधर भी सब कट्टे आलू के लगे हुए हैं। ये वाला क्या रेट है? कट्टे में ना या खुले में? खुले में 13-12 रुपए खुले में। और ये वाला? ये भी 13 रुपए 13 रुपए किलो। और ये आगे छोटा वाला गुल्ला? ये चिप्सोना गुल्ला है, ये भी 14 पड़ ये चिप्सोना गुल्ला है, 14 पड़ रहा है। ये हाईब्रिड है, वो 700 रुपए का कट्टा चल रहा है। बड़ा चिप्सोना आलू, बड़े साइज में चिप्सोना आलू। इधर ये सब अदरक लगी हुई है, कई क्वालिटी की अदरक है। क्या रेट चला रहा है अदरक का? अदरक का 200 रुपया। ये वाली 40, ये 240 है। अच्छा, ये 180 है, वो 240 है। ऊपर में 240 तक बिक रही है या इससे भी ऊपर बिक रही है? नहीं नहीं, ऊपर में अदरक बिक रही है 240 रुपये किलो तक। क्वालिटी है अदरक की। इधर में धर्मेंद्र भाई साहब की आड़त पे हूँ और इनके पास में देखते हैं क्या क्या रेट माल बिक रहा है। ये इनकी आड़त पे मिर्च है, हरी मिर्च, और रेट चल रहा है 50 रुपये किलो। ये इधर भी हरी मिर्च का रेट 50 रुपये किलो ही है, 50 रुपीज़ पर केजी होलसेल प्राइस। इधर ये धनिया है इनके पास में और रेट चल रहा है 200 रुपये किलो। ये वाला धनिया ये है चाचा जी। इनके पास में करेला है और रेट चल रहा है 20 से 25 रुपये किलो। 15-16 रुपये किलो, 15-16 रुपये किलो। ये इधर भुंटा है इनके पास में, इसका भी रेट जानते हैं। भुंटा भुंटा 8 से 10 रुपए किलो। ऊपर में 40, 35 से 40 रुपए बिक रही है अरबी। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। इधर सब ये लौकी लगी हुई और रेट भी जानते हैं। इनके पास में रतालू लगा हुआ है और रेट चल रहा है 20 रुपए किलो। ये धारी वाली लौकी बिक रही है 30 रुपए किलो, 30 रुपीज़ पर केजी होलसेल प्राइस में। गाजर बिक रही है 20 रुपए किलो। नींबू बिक रहा है 30 रुपीज़ पर केजी, 30 रुपए किलो ऊपर में। काशीफल बिक रहा है 25 रुपए किलो होलसेल प्राइस में पर केजी। इधर भी सभी लौकी लगी हुई है। इधर ही इनके पास में प्याज लगी हुई है। क्या रेट चला रहे हैं ये वाली प्याज? ये 15 रुपये। इधर ये टमाटर है इनके पास में काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, और ये बाहर का टमाटर है, बाहर से आ रहा है, हल्द्वानी से और अन्य जगह से, और रेट चल रहा है 120 रुपये किलो। इधर सब ये देसी खीरा है और रेट भी जानते हैं। क्या रेट बेच रहा हो खीरा? मेरा 25 बेच रहे सर, 25 रुपये किलो बिक रहा है खीरा। और ये टिंडा है, रेट चल रहा है 50 रुपये किलो। ये फजरी का कच्चा आम है, सब्जी वाला, और रेट भी जानते हैं। क्या रेट चल रहा है ये? 22 रुपये किलो, 22 रुपये किलो है। हमारे यहाँ से फजरी बोलते हैं, सब्जी के काम में आती है ये, मीठी मीठा आम होता है, कच्चा है कच्चा आम। ये इधर पका हुआ काशी फल है, रेट चल रहा है 12 रुपये किलो। भिंडी 35 रुपये, 35 रुपये किलो बिक रही है भिंडी। काशी फल के इन भाई साहब के पास में लहसुन है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। ये है क्वालिटी जी। अच्छा, क्या क्या रेट चला चाहिए बताओ? 130 रुपये। ये वाला काफ़ी अच्छा है क्वालिटी, ये देखिए आपके सामने। ये वाला नाम बता दीजिए अपना। अच्छा, इरफान भाई साहब,
जी, इनके पास में लहसुन है काफ़ी अच्छी क्वालिटी में। इधर ये सब कटहल लगा हुआ है, ये है मुंशी सड़क के ऊपर में कटहल बिक रहा है अच्छी क्वालिटी का, 15 रुपये किलो, 30 रुपये किलो बिक रहा है हाईब्रिड खीरा। और ये है चुकंदर 35, अच्छा 30 से 35 रुपये किलो बिक रहा है चुकंदर क्वालिटी के हिसाब से। क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी। जी जी जी, और आदमी इन भाई साहब का चुकंदर है। जी 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 जी, ताजी लौकी है। इसका क्या रेट चला रहे हैं? इसका है 28 से लेकर 30-32 तक। 30-32 तक, जी जी। इनके पास में लौकी, ये भी बहुत शानदार लौकी है। इसका क्या रेट करा है? लौकी दी है 25 रुपये किलो। 25 रुपये किलो ये है जी जी, वो देसी वाला है। जी जी जी, 30 रुपये किलो दी ये तुरई इनके पास में 30 रुपये किलो। जी 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 जी, अच्छा नाम बता दीजिए अपना नाम। नाम है बबलू सैनी। बबलू सैनी भाई साहब है ये डूंगरपुर। जी जी जी, और केला भी अपना है? केला भी अपना है। क्या रेट चलाया केला? ये केला 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो सब्जी वाला केला है ये। इनके भाई साहब हैं, इनके पास में काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आम है। और नाम बता दीजिए सबसे पहले। जी विनीत, विनीत भाई साहब हैं। और इनके पास में ये लंगड़ा आम के क्रेट लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में लंगड़ा आम है। और ये कुछ और है, दशहरी है, लेकिन लो क्वालिटी की दशहरी है। अच्छा ये क्या लंगड़ा कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं? ये बिक रही है 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, 8 रुपये किलो। जी जी जी, काफ़ी 6 रुपये किलो। जी जी, ये दशहरी जी, 6 रुपये किलो। जी जी भाई, ये आम की क्वालिटी देखिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आम है। और ये देखिए क्वालिटी आम की, लंगड़ा आधी आधी किलो का लंगड़ा है। जी 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 जी, 12 रुपये किलो, 10 रुपये किलो में। जी, तो बात करने के लिए शुक्रिया। इधर ये मूली लगी हुई है, रेट चल रहा है 35 रुपये किलो, 35 रुपये पर केजी। बारिश ने स्थिति बहुत ख़राब कर रखी है, लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक के कई रोज़ से, लगभग 8-10 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सबसे ज़्यादा जो बारिश ने असर डाला वो आम पे डाला, आम के रेट बहुत कम हुए इस टाइम। इधर ये बैंगन लगा हुआ है और पूरी पोर्ट का रेट है 35 रुपये पर केजी। इधर ये सब आम की क्रेटें लगी हुई हैं, ये सब लंगड़ा आम है, पका हुआ लंगड़ा आम। और क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आम है, बस कलर में थोड़ा सा कमी है। इधर नाम बता दीजिए। अच्छा नाम पहले, नाम है मेरा फिरासत भाई। हाँ जी, ये हैं फिरासत भाई साहब। और ये सब क्रेटें लगी हुई है। क्या रेट चला रहा है अच्छा वाला लंगड़ा? जैसे ये है 12-13 रुपये किलो। अच्छा पका, वो कच्चा तो महंगा चल रहा है, कच्चे का रेट तेज है और पके हुए का सस्ता है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में लंगड़ा है, आप ये कलर देखिए इसका और साइज देखिए। जी जी, 12 रुपये किलो का माल, ये 12 रुपये किलो बोल रहे हैं इस क्वालिटी का लंगड़ा। और दशहरी, ये दशहरी भी बहुत लंबी, 12-13 रुपये किलो ये भाई जान। जी जी जी, 12-13 रुपये किलो, बहुत लंबी लंबी। अच्छा बारिश से परेशानी हो रही है? बारिश से बहुत परेशानी हो रही है। जी 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 जी, बात करने के लिए शुक्रिया। इधर भी सभी आम लगा हुआ है, पका हुआ आम है सभी। स्थिति काफ़ी ख़राब है आम की। ये देखिए कितना, 10 रुपये 12 रुपये, ये वाला कितने को बेचा? 11 रुपये 11 रुपये 12 रुपये इतना बिक रहा। जी जी, इधर भी सभी आम लगा हुआ है। इधर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दशहरी है लगी हुई। और ये देखिए क्वालिटी दशहरी की। और इधर ये भाई साहब है चलाना दशहरी 20। ये देखिए दशहरी, काफ़ी बड़े साइज़ में दशहरी है और रेट चल रहा है 20 रुपये किलो। ये देखिए दशहरी साइज़। और इधर ये परवेज भाई साहब की आड़त का हूँ, क्या स्थिति चल रही है आम की? बाजार बहुत डाउन है, 15-16 रुपये का बाजार है, अच्छे अच्छे 20 रुपये का है। जी जी, अच्छी क्वालिटी का, ये समझिए 15-16 रुपये की रेंज, ये भी जी 10 रुपये की रेंज का, ये 10 रुपये को हल्का मुँह काला है इसके। जी जी जी, 10 रुपये की रेंज की। जी जी जी, ये भी लाइट लगी हुई है, भोपड़े का लाइट लगी हुई है। जी, ये 15-16 रुपये की रेंज के। जी जी जी, ये मोटा आम है। जी, बढ़िया है। इसकी स्थिति थी 2 दिन पहले 28-30 रुपये की, अब रेट है ये जी 20 रुपये का बाजार इसका, 20 रुपये का। अच्छा जी, और ये सेब जो लगा हुआ आपके पास में, ये तो इंपोर्टेड सेब है जी, इसका क्या रेट चल रहा है? ये बिक रही है 4400 रुपये का। 4400 रुपये का बॉक्स, कितने वजन में? 20 केजी में। और ये वाला दूसरा,
वो बिका है 4200 रुपए का। ये बहुत बढ़िया है जी। अनार के क्या रेट चला रहे हैं? अनार बिका है 1000 रुपए का। 1000 रुपए का 10 किलो वजन में होगा ना जी। इधर इनके पास में कीवी और रेट चला है 900 रुपए का। 75 रानी, हाँ रानी अनानास बिका है 75 75 रुपए किलो। नंबर मेरा 9897 जी 59095 जी मोहम्मद तौरेद राइन। ओके शुक्रिया। इधर ये काफ़ी अच्छी, इधर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में पपीते लगे हुए हैं लेकिन थोड़े दागी हैं, तो बारिश की वजह से थोड़ी फफूंदी आ रही है। पपीते का रेट चल रहा है ऊपर में 35 रुपए किलो, 35 रुपीज़ पर केजी। इधर ये केला लगे हुए हैं, और ये है क्वालिटी केले की। क्या रेट चला रहे हो? ये केला चल रहा है इस टाइम 25 रुपए, और कल इसका रेट 450 रुपए। बरसात होने के कारण केला बहुत ही मतलब डाउन हो गया। कल 450 था, आज कितना है? 250। आज 250 से 300 रुपए ग्रेड चल रही है, बारिश की वजह से थोड़ा रेट गिर गया। जी जी जी। आम देखो भैया, अरे आम की तो बहुत बुरी स्थिति है, ज्यादा नहीं, कुल 50 रुपए ग्रेड चल रही है, बहुत मतलब हो गया। 50 रुपए ग्रेड हमारे साथ है तौसीफ भाई साहब, और जानते हैं मौसमी का रेट जी। 25 रुपए की। ये कौन सा नंबर है? चार नंबर है 25 रुपए किलो, 5 नंबर 20 रुपए, और ये वाली कौन सी है? मिक्स। इसका क्या रेट चल रहा है मिक्स का? 28 रुपए मिक्स। इधर ये सब आम लगा हुआ है कच्चा, इधर ये कच्चा आम है, और ये भी ये क्रेटों में भी सब आम है। भाई साहब से जानते हैं रेट, क्या नाम बता दीजिए पहले अपना। मोहम्मद सिराज भाई साहब है, क्या आज क्या रेट बेचा कच्चा आम? कच्चा आम जो बिका भाई आज यहाँ बिका 1920 रुपए। 1920 रुपए कौन सा वाला? लंगड़ा। अच्छा वाला या मीडियम? अच्छा ही था। और दशहरी वगैरह नहीं है? दशहरी टक्की भी बेची है भाई जान 200 रुपए, 100-150 रुपए की रेट। कितने वजन में? 20 केजी। 20 केजी में 200 से 150 रुपए की रेट। 50 रुपए जी जी। और लंगड़ा पका हुआ? पका हुआ लंगड़ा ऐसे बेचा भाई जान 21-22 रुपए। 21-22 रुपए किलो। हाँ जी, आप थोड़ी सारी इधर की लेना आप। जी मैं नारती वो है। जी जी। इधर ही चला रहे थे सर, ये 15 रुपए के पैसे मांग रहे हैं, 11 रुपए के पैसे लग रहे हैं? 11 रुपए लग रहे हैं, क्या होगा? अरे भाई बाघ वाले तो ऐसा मतलब है कि रोना भी चाहिए। सस्ता माल कभी जिंदगी में नहीं बिका जितना सस्ता मंडियों में। राम स्वरूप भाई, ये बाघ में इतना पानी है, इनके इतना पानी इस वक्त। अच्छा जी, ये बता दो खाना कैसे बनाए हम? स्थिति इस टाइम मंडी में आम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, चारों तरफ आम ही आम है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।